ये जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिख रहा है ऑफलाइन वाला, यही लगेगा फिजिकल सेंटर पर दोस्तों, मांगा जाएगा और डीबी में काम आएगा। कैसे बनवाना ये मैंने आपको पूरा बता दिया है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस 24 के बारे में। जो आपका फिजिकल में कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा तो उसमें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट देना, ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाला, क्योंकि दोनों तरीके से बनता है। अदर स्टेट वाले का लगेगा कि नहीं, झारखंड वाले का कौन सा लगेगा, कैसा होगा, ये मैं आपको देखिए दिखाऊंगा भी, क्योंकि मैं सारा सर्टिफिकेट यहाँ पे लाया हूँ और आपको मैं बताऊंगा भी कि कहाँ से आपको दोस्तों बनवाना है। ठीक है, तो जितने भी लोग ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी दोस्तों आपका यहाँ पे फायदा होने वाला, वरना आपको फिजिकल में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन वाला बना करके लेके चले जाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ अदर स्टेट के बारे में, दो चार बातें बता देता हूँ, फिर उसके बाद झारखंड वालों के लिए सेपरेट बताएंगे अच्छे से। ठीक है, जो हमारे सबसे पहले अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, या तो दोस्तों आप उत्पाद सिपाही का फिजिकल देंगे या तो आप झारखंड पुलिस नॉर्मल का देंगे। ठीक है, तो दोनों में दोस्तों वही सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा जो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि कास्ट जो है सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर दोस्तों नहीं मांगा जाएगा अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों आपका जो रेसिडेंशियल बोले तो दोस्तों निवास प्रमाण पत्र, जो कि इसके बारे में पूरा संपूर्ण बताए हैं कौन सा लेवल का चलेगा, कौन सा डेट का, वो जाकर के पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको बिल्कुल जो है चिंता नहीं लेना, जितने भी अदर स्टेट के हैं यानी झारखंड के अलावा, जैसे बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो अदर स्टेट से भरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं झारखंड वाले जितने भी लोग हैं तो उनका जो देखिए दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, अब वो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों किस तरीके से होना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट ये दो तरीके से बनता है दोस्तों। एक तो आपका बनता है सेंट्रल लेवल का, ठीक है, और एक बनता है आपका स्टेट लेवल का। एक तो दोस्तों आपका बनता है स्टेट लेवल का, एक बनता है भारत सरकार का यानी स्टेट लेवल का। और अगर हम बात करें तो ये दो तरीके से भी बनता है, एक दोस्तों बनता है ऑनलाइन, ठीक है, और एक बनता है ऑफलाइन। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वाला लगेगा कि ऑफलाइन वाला, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जितने भी झारखंड वाले लोग हैं तो उनका दोस्तों है नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि हम जो फॉर्मेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट वहां पे अलाउ करेंगे। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, तो ऑफलाइन, ऑफलाइन कैसा होता है, कैसे बनवाना, ये भी आगे वीडियो में बताएंगे, आप बने रहिएगा। देखिए ऑनलाइन जो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे तो आप दोस्तों कोई भी स्टेट का ले लीजिए या तो फिर सेंट्रल का ले लीजिए, ये दोस्तों तीन लेवल पे बनता है, एक होता है आरओ लेवल पे, एक होता है एसडीएम लेवल पे, एक होता है दोस्तों डीएम लेवल पे। अब किसी किसी स्टेट में जो है डायरेक्ट एसडीएम लेवल पे ही बनाया जाता है, आरओ नहीं बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं भी आप फिजिकल देने जाइएगा ना, तो आपके पास अगर आरओ लेवल का नहीं तो लेकिन एसडीएम लेवल का रहना जरूरी है। एसडीएम बोले तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी जो डीएम से नीचे होता है एक पद, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नीचे होता है। ठीक है, ये अनुमंडल पदाधिकारी होता है, क्या होता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, तो इनका जिसके भी पास में बना होता है कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन वाला, वो सभी जगह वेरीफाई हो जाता है, चाहे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो या फिजिकल में जा रहे हो। ठीक है, तो जो अदर स्टेट वाले हैं वो दोस्तों रेसिडेंशियल ले जाएंगे, एसडीएम का कास्ट उनका लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि ऑफलाइन जो है वो आपका बनेगा कैसे। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन बना है, झारखंड वाले का मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका ऑनलाइन बना है एसडीएम लेवल का, तब तो दोस्तों आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आरओ का नहीं होना चाहिए। आरओ का मतलब हुआ रेवेन्यू ऑफिसर, जो आंचल में बैठते हैं यानी कि ब्लॉक में, जिसे आप लोग सीईओ या बीडीओ बोल सकते हैं। ठीक है, उनका साइन होता है डिजिटली साइन, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे वीडियो में, बने रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास झारखंड वाले हैं तो एसडीएम लेवल का बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, तब ठीक है दोस्तों, वरना दोस्तों आपको ऑफलाइन आपको बनवा ही लेना है। ठीक है, बनवा लेंगे तो वहां पे जो है खराब नहीं करेगा, आपका काम ही आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी। ठीक है, और वही चीज मांगा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, और ये जो मैंने आपको बताया ऑफलाइन, तो ऑफलाइन वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, जो कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों आपका ऑफलाइन वाला है, ये बनवाने के लिए आपको सबसे पहले सेंट्रल लेवल का ओबीसी सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, सेंट्रल लेवल का कैसा होता है,
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए कैसा होता है, ठीक है। देखिए ये आपको दो दिख रहा होगा सर्टिफिकेट, एक आपका बिहार का है और एक आपका दोस्तों झारखंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई भी स्टेट में होंगे तो आपको सेंट्रल लेवल से बनता है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का होगा उसमें दोस्तों लिखा होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे में देखिए यहाँ पर बिहार सरकार में क्या लिखा होता है, भारत सरकार के सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गो उम्मीदवारों आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र कार्यालय का नाम यहाँ जहाँ से वेरीफाई होता है, ठीक है। तो ये हिंदी में है वरना यहाँ पर भी यही होगा, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ होता है और उसके बाद एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दोस्तों रहेगा और यहाँ पर जो भी लोग साइन करेंगे तो यहाँ पे नीचे होगा, यहाँ पे कट रहा है पीडीएफ, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए जो सिग्नेचर करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में या तो एसडीएम लेवल से बनाए होंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपका देख सकते हैं डिजिटली साइन बाई ऑथराइज सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग समझ गए, यहाँ पे देखिए डेट भी लिखा हुआ है और उनका नाम जो वेरीफाई करते हैं। इसी तरीके से आप बिहार वाले में देखिए, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दोस्तों बना हुआ है और डिजिटली साइन बाई यहाँ पे मयंक कुमार अग्रवाल, जब यहाँ पर बनाते हैं तो यहाँ राजस्व अधिकारी शेखपुरा। तो आपका अगर एसडीएम लेवल का बनेगा तो लिखाएगा सब डिविजनल ऑफिसर शेखपुरा या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा उस लेवल का, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये वाला चीज बनवाना पड़ेगा, ठीक है, ऑफलाइन वाला बनाने के लिए। ये जब दोस्तों आप बनवा लेंगे तब यही चीज वहां पर मांगा जाएगा, जब आप ऑफलाइन फॉर्मेट निकाल करके ले जाएंगे। ये वाला देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ऑफलाइन वाला देख सकते हैं मोहर मारा हुआ है आपका, और ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका झारखंड वाला आपका कौन सा रहेगा ऑफलाइन वाला, ठीक है। वो भी मैं आपके लिए लेकर के ही आया हूँ, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जरा सा भी वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा या फायदा होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। देखिए ये आपका दिया हुआ है फॉर्म में ही, अगर आप उत्पाद सिपाही का नोटिफिकेशन देखेंगे या झारखंड पुलिस 49 पद का, तो दोनों में दोस्तों ये चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दोस्तों आप लोग जाएंगे जब नीचे यहाँ पर दिया हुआ रहेगा झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति या दाखिल हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का जो है फॉर्म यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब ये दोस्तों आपको क्या करना होता है, तो भर करके देखिए यहाँ पर आपका नाम, वार्ड नंबर, प्रमंडल, राज्य, प्रदेश जो भी आपका है यहाँ पे डिटेल दोस्तों पूरा अपना, माता पिताजी का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे देखिए साइन वगैरह कर करके स्थान दे करके सारा कुछ यहाँ पे वेरीफाई यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको परिशिष्ट 3 दिख रहा है ना, यही वाला दोस्तों सर्टिफिकेट SC ST के लिए है, ठीक है। ये जो भी लोग SC ST से दोस्तों आते हैं झारखंड से, तो उनको जो है ना ये वाला दोस्तों सर्टिफिकेट बनवा करके ले करके जाना है। ये वाला आप ऑफलाइन निकलवा लेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना नाम भरेंगे, पिताजी का नाम, नगर या तो फिर मोहल्ला, ग्राम, जिला, प्रखंड, राज्य, यहाँ पर अपना जाति लिख करके दोस्तों। हालांकि ये चीज आपको नहीं भरना है, जब ये बनाने के लिए जाएंगे सर्कल ऑफिसर के पास में तो वहाँ पे क्या होगा, वो खुद ही भर देता है, ठीक है। वो खुद ही बोलेगा कि हम खुद ही यहाँ पे इसको जो फिल करेंगे, क्योंकि आप लोग गलती कर सकते हैं। और ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है, ये ही सारा कुछ देखिए इसमें भी आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, तो ये जो छोटा छोटा सा जो पार्ट ये लिखा हुआ है ना, ये वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। जो अमेंडमेंट होता है हमारे संविधान में, ये सारा कुछ इसमें जो भी मतलब आपको छूट दिया जाता है OBC से रिलेटेड, कास्ट में जो भी वर्णित है ना, मतलब उसमें आपके पॉलिसी में, तो वो चीज यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो यही ऑफलाइन में है। अब यहाँ पर देखिए आपका सारा कुछ दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर, पदनाम और कार्यालय के सील का सहित यहाँ पर मुहर चाहिए। तो यहीं पर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM जिसे आप लोग कलेक्टर बोलते हैं, या तो SDM यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या तो SDO बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वेरीफाई यहाँ पर करके आपको देंगे और इनके पास जाइएगा तो इस तरीके से आपको देखिए मोहर मार करके आपको देंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक बनवाया था सेंट्रल लेवल के लिए जब फिजिकल हो रहा था तब, दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये सारा कुछ ऐसे ही फिल किया हुआ रहेगा। और ये ऊपर में पता है क्या लिखा हुआ रहता है, जो आपने ऑनलाइन से बनवाया है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट उसी के आधार पे ये बनाया जाता है, क्योंकि कुछ तो बनाने के लिए आपको प्रूफ चाहिए ही। तो जब आप इसको बनाने के लिए जाएंगे तो आपको बोलेगा कि आपके पास सेंट्रल का सर्टिफिकेट है कास्ट ऑनलाइन वाला,
अगर रहेगा तभी ये वाला बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। और ऑनलाइन वाला कहाँ से बनवाना था, वो कोई भी साइबर कैफे जाकर के बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो आपका तीन जगह पे मोहर और साइन हुआ है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हुआ है आरओ का, यानी जो ब्लॉक में बैठते हैं हमारे पदाधिकारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हुआ सब डिविजनल ऑफिसर यानी एसडीएम का, ठीक है, यानी एसडीओ का। और उसके बाद लास्ट में जो है मेरा हुआ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपके जिला का नाम रहेगा, यानी कि कलेक्टर, यानी कि जहाँ पे डीएम आपके बैठते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका डीएम जो वेरीफाई नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या तो डायरेक्ट एसडीओ भी नहीं करेगा। सबसे पहले आपको ये ऑफलाइन वाला फॉर्मेट निकलवा करके जाना होगा आरओ के पास में, यानी आपको ब्लॉक के पास में। और अगर कोई स्टेट में जैसे नहीं है तो ऐसे तो अदर स्टेट का नहीं लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों जब आप आरओ से आपका वेरीफाई हो जाएगा, लोकल रेसिडेंट जो तहसीलदार होता है, ठीक है, जब उसके पास से वेरीफाई हो जाएगा सिग्नेचर मोहर, तब इसको लेकर के जाना है कहाँ, तो एसडीएम कार्यालय में, फिर वो सिग्नेचर और मोहर मारेगा। उसके बाद जाना है डीएम कार्यालय में, फिर वो सिग्नेचर और मोहर यहाँ पे मारेगा। तब जब तीनों यहाँ पर मोहर, जब आरओ लेवल, एसडीएम लेवल और डीएम तीनों यहाँ पर मार देगा मोहर, तभी आपका सर्टिफिकेट फाइनल तैयार हो जाएगा। और यही दोस्तों आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। और इसका जो है फॉर्मेट, ये आप सभी लोग देख सकते हैं, ये आपका एससी एसटी के लिए है, ठीक है। ये आप लोग निकलवा लीजिएगा, इसका हम पीडीएफ लिंक ग्रुप में डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट शो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो लोग ओबीसी से है, तो ओबीसी के लिए भी दोस्तों इसी में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, देखिए क्रीमिल ईयर रही थे ना, तो जो लोग एनसीएल बनवाना चाहते हैं वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब आएगा आप सभी लोग के लिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो जो लोग ओबीसी में दोस्तों आते हैं, ओबीसी बोले तो BC1 और BC2, ठीक है, झारखंड का मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ, जो ओबीसी में आते हैं तो उनको दोस्तों ये ही वाला सर्टिफिकेट बना करके ले जाना है, ठीक है। तो ये वाला आप क्या करेंगे, ये सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा फाइल का जो आपको चाहिए प्रिंट करवा लीजिएगा। ये निकलवा करके दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ भर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है जाएंगे ना, जब आप ऑफिसर के पास में वहाँ पे ब्लॉक में, तब यहाँ पर आपका साइन करेगा, पदनाम अपना जो जिस भी वो पद पर रहेगा वो अपना डालेगा, उसके बाद यहाँ पे सील, यहाँ पर स्थान, यहाँ पर डेट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आरओ का मार देगा, आरओ में तहसीलदार जो कार्यालय बैठता है सर्कल में होता है, ठीक है, अंचलाधिकारी। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका मार देगा एसडीओ का, उसके बाद यहाँ पर डीएम का। मतलब दोस्तों डीएम लेवल का बनाने के लिए आपको तीन स्टेज से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जिला के अंचलाधिकारी, जहाँ सीओ वीडियो, जहाँ पे खेत वाला काम होता है ना, वहाँ पे साइन वगैरह करते हैं, तो उसी के पास में जाना होगा, रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। जब आरओ आपका वेरीफाई कर देगा, तब वही वेरीफाई हुए एप्लीकेशन को लेकर के जाना है एसडीएम के पास में, फिर एसडीएम जब पास कर देगा तब जाना आपको डीएम के कार्यालय में। तो वहाँ पे तीनों का सिग्नेचर मोहर साइन हो जाएगा फाइनल, उसके बाद आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, फिर आप लेकर के जाइए, कहीं भी जाइए आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। तो यही था दोस्तों मेरा पूरा जो है वीडियो, आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो ये जो मैंने आपको सर्टिफिकेट दिखाया ऑफलाइन वाला का सर्टिफिकेट, यही दोस्तों आपको लगने वाला है फिजिकल सेंटर पर, ठीक है। कैसे बनवाना ये मैंने पूरा आपको बता दिया है दोस्तों, पूरा आपने वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से वीडियो आपको अगर देखना है तो चैनल पर देखिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो ये जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट दिख रहा है ऑफलाइन वाला, यही लगेगा फिजिकल सेंटर पर दोस्तों, मांगा जाएगा और डीबी में काम आएगा। कैसे बनवाना ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो दोस्तों। चलिए फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।